पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने नरसा के तत्वावधान में रेलवे प्रेक्षागृह गोरखपुर में आयोजित खेल सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं अंतर रेलवे स्तर पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के 80 खिलाड़ियों को खेल सम्मान प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन नरवो की अध्यक्षा श्रीमती क्षमा मिश्रा सहित सदस्याएं प्रमुख विभाग अध्यक्ष नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन महासचिव पंकज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री मिश्र ने पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ की खेल पत्रिका नरसा पत्रिका का विमोचन करने के साथ ही नरसा की वेबसाइट nrsa.in को भी लॉन्च किया। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के महासचिव श्री पंकज कुमार सिंह ने नरसा के गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने रेस वॉक के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उनका ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतना स्वयं में एक स्वर्णिम उपलब्धि है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में पूर्वोत्तर रेलवे के 3 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रतिभावान खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अन्य खिलाड़ियों के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि भारतीय रेल के खिलाड़ी भारत के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन करते हैं और जो रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भाग लेते हैं और काफ़ी पदक जीतते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि सभी खिलाड़ियों को एक मंच पर एक साथ सम्मानित किया जाए। उसी संबंध में आज सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से जिसे पूरा पूर्वोत्तर रेलवे गौरवान्वित है, या खिलाड़ी और आगे बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करें और देश और रेलवे का नाम रोशन करें। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों द्वारा एक मनोहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह ने पूर्वोत्तर रेलवे पर नरसा के माध्यम से खेलकूद के अनुकूल वातावरण सृजित करने में नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र, अध्यक्ष योगेश मोहन, महासचिव पंकज कुमार सिंह सहित नरसा के पदाधिकारियों के अतुलनीय सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि पूर्वोत्तर रेलवे पर खेलकूद की गतिविधियां एवं खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी समर्पित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, कहते हैं अतिथि का स्वागत। अगर हम प्रकृति की गोद यानी कि सुंदर सुंदर पौधों से करें, तो अध्यक्ष नरसा से सर हमारे जीम सर को एक ट्री प्लांट देके उनका स्वागत व सम्मान करें। तालियों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि धन्यवाद सर से अनुरोध है कि सभी महिला कल्याण संगठन की सदस्याओं को बैच लगा के उनका स्वागत करें, पीएचडी को बैच लगा के उनका स्वागत व सम्मान करें। इस खेल के प्रांगण में जहां बहुत सारे लोगों को सम्मान मिलना है, उस सम्मान के साथ आप सब हमारे साथ जो दीप प्रज्वलन के साथ होता है, जब दीप जलता है तो तिमर में सर, जीएम मैम और महिला कल्याण संगठन की सभी सदस्याएं, उच्च अधिकारीगण सर, आप लोग मंच पे आए और दीप जलाकर इस कार्यक्रम की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। प्रकारक जिसमें चिल्मन चिल्मन है, बरसी असीम अनुकंपा ईश्वर की। और इसी के साथ आपके बीच Yeah.
खिलाड़ी, कोच, टीम मैनेजमेंट, नर्वो की रिस्पेक्टेड सदस्य हैं, आप सभी का आज इस खेल सम्मान समारोह 2022 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से क्रिएट किया। पिछले वर्ष हम लोगों ने कई गेम्स में पहली बार मेडल्स जीते। एथलीट में पहली बार हमारी एक खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी। कॉमनवेल्थ में हम लोगों ने इस वर्ष सिल्वर मेडल जीता। एक और मेडल की संभावना थी, हम लोगों की अपेक्षाएं थी, समूह रह गई, अगली बार आएगा जरूर। 3 प्लेयर्स सर हमारे पार्टिसिपेट किए थे कॉमनवेल्थ में। हमारे एक कोच की बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, पिछले 3 वर्ष से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में सर मैं उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ। आदित्य यादव नाम है, 13 वर्ष की है। सीनियर खिलाड़ियों के बीच में जाकर उसने डेफ ओलंपिक में मेडल ले आया। अभी एशिया स्तर की एक प्रतियोगिता में भी उसने कई मेडल प्राप्त किए। जब वो सर आपसे सम्मान प्राप्त करने आएगी तो अपने मेडल्स लेकर आएगी सर, बहुत सम्मान का विषय है पूर्वोत्तर रेलवे के लिए जब हमारे परिवार से हमारे खिलाड़ी इस तरह की उपलब्धियां हासिल करते हैं। आप सभी जो खिलाड़ी जिनको यहाँ सम्मान मिल रहा है उनको पूरे देश में अनेक सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन जब घर में आपको कोई सम्मानित करता है बुलाकर तो एक गर्व की बात होती है। और हमारे आदरणीय महाप्रबंधक संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ सर ने कहा कि एक बार सभी खिलाड़ियों जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए एक स्मारिका जिसका अभी सर और मैम ने विमोचन किया। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि ये जो आज शुरू किया जा रहा है सम्मान समारोह, ये बदस्तूर जारी रहे, और इसके लिए आप सभी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता होगी जिससे कोई इसे बंद ना कर पाए। तो आप लोगों को अपना ये प्रदर्शन इसी भांति जारी रखना है। आदित्य, डेफ एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में गोल्ड मेडल, डेफ ओलंपिक गेम्स ब्राजील 2022 में महिला बैडमिंटन एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल, आदित्य यादव, तालियां बजानी चाहिए। ये हमारे कोच दिव्य की बेटी है, हमारे बैडमिंटन कोच दिव्य यादव की सुपुत्री आदित्य यादव। नेस्ली के सेक्रेटरी अगर यहाँ पर हों तो सर प्लीज आप भी मंच पर आए। जूनियर बेस की कुश्ती अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप सितंबर में सर्बिया में भारतीय कुश्ती टीम के कोच और यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में हैं। तालियां बजाकर सारे खिलाड़ी उनका स्वागत करें। उनका आइए भारत का प्रतिनिधित्व किया सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भुवनेश्वर में स्वर्ण पदक और सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 22 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपके आपने। अरविंद कुमार हैदराबाद में आई भारतीय रेलवे महिला हैंडबॉल टीम के कोच के रूप में स्वर्ण पदक हासिल किया सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल। मंजू यादव टीम चैंपियनशिप पीछे चल चलो हो पाएगा पीछे आ जाओ कुर्सी के तो ज्यादा पीछे हो दुबे थोड़ा पीछे हो दुबे प्रतियोगिताओं में
कुश्ती कोच के दायित्वों का शानदार निर्वहन किया है। सुश्री पूनम यादव ने उज्बेकिस्तान में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। श्री उपेंद्र यादव ने इंडिया ए क्रिकेट टीम से दक्षिण अफ्रीका में आयोजित प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अतिरिक्त हमारे काफ़ी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में स्वर्ण रजत कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमारे खिलाड़ियों ने लगन परिश्रम अनुशासन एवं नियमित अभ्यास के फलस्वरूप यह मुकाम प्राप्त किया है। हमारे खिलाड़ी आगे भी मिशन बनाकर इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से और पूरे अपने पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारियों सभी परिवारों से कहना चाहूँगा कि बचपन में तो सभी खेल खेलते हैं, स्कूल तक खेलते हैं, कॉलेज तक आते थे, कुछ कम हो जाते हैं, उसके बाद खिलाड़ियों को छोड़ते हैं तो बाकी लोग खेल खेलना छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि उम्र हो गई इसलिए हमने खेलना छोड़ दिया, जबकि ये गलत बात है। असल में उन्होंने खेलना छोड़ दिया होता है इसलिए उनकी उम्र हो जाती है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि सुविधाएं हैं इनका पूरा उपयोग किया जाए और जिसको कुछ डाउट हो, अगर लगता हो कि नहीं हो सकता, तो जो आईपीएल के कुछ सेशन पहले एक प्रवीण तांबे करके खिलाड़ी हुए थे जो काफ़ी लेट उम्र में आईपीएल में उनका प्रदर्शन रहा था, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था, उसके बाद में एक फिल्म बनी थी कौन प्रवीण तांबे, तो इसको भी देख लें। और खिलाड़ियों के अलावा मैं अपने सभी हर पूर्वोत्तर रेलवे के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके परिवार से ये अनुरोध करूँगा कि सुविधाएँ हैं रेलवे में, इसका पूर्ण उपयोग करें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। हमारे खिलाड़ी भारतीय रेल के जो खिलाड़ी हैं भारत के प्रतिनिधित्व कई जगह करते हैं और जो रेलवे की प्रतियोगिताएँ होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भी भाग लेते हैं और उन्होंने काफ़ी इनाम जीते हैं, काफ़ी पदक जीते हैं। हमें महसूस हुआ कि ये लोग पदक जीतते हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका सम्मान होता है, देश में सम्मान होता है, राज्य में सम्मान होता है, लेकिन एक मंच पर एक साथ कभी भी हम लोगों ने सारे कर्म जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका सम्मानित नहीं किया। तो एक हमारे स्पोर्ट्स जो सेक्रेटरी हैं और अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने ये पहल की कि एक बार पूरे सबको एक साथ हम लोग सम्मानित करें और ये इनकी जो उपलब्धि है इससे पूरा पूर्वोत्तर रेलवे गौरवान्वित है और हम चाहेंगे कि ये लोग आगे और बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करें और देश का नाम और रेलवे का नाम बढ़ाएँ। देखिए, एक तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा है, उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में रिक्रूटमेंट होता है, ओपन मार्केट चयन है, बिल्कुल पारदर्शिता है, उसके मानक निर्धारण है, उसके हिसाब से सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है। उसके अलावा जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके कैंप लगते हैं, जब सेलेक्ट कर लिया जाता है, कैंप के लिए दौरान उनको छुट्टी दी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे ट्रेनर्स द्वारा। उसके बाद जब प्रतियोगिता में पार्ट लेते हैं तो उसके वो भी उनका ड्यूटी नहीं ट्रीट किया जाता है उसको, और जब वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे हमेशा से, जब से रेलवे अस्तित्व में आई, स्पोर्ट्स के लिए प्रतिबद्ध रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।